एवरीवन। तो दोस्तों, पूरे देश में फिलहाल दो ही चीज की चर्चा है, एक तो अनंत अंबानी के ब्याह की और दूसरा डॉली टपरी वाले की चाह की। इन दिनों इंस्टाग्राम की हर दूसरी फीड में डॉली और हर पहली फीड में अनंत अंबानी की शादी हो रही है। अब पहले शादी की बात करते गाइस। भाई साहब, ये देश की इकलौती ऐसी शादी है जिसका बजट पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये लाइन बोल करके पाकिस्तान की बेइज्जती की है कि शादी की। भाई मोदी के बाद इकलौते अंबानी ही है जिन्होंने अपनी शादी के थ्रू ही पूरे भारत का प्रचार पूरे विश्व में कर दिया। बहुत पैसा है मेरे पास। हाँ, बस दोनों में फर्क इतना है कि मोदी विदेश घूम घूम के प्रमोट किए थे और अंबानी भाई बैठ के जलवा है हमारा। यही सबको बुला लिया ब्रो, चाइना से लेकर के रियाना तक। भाई पूरी दुनिया के लोगों को यही बुला करके जामनगर को ही जाम कर दिया। और जामनगर से याद है, मैंने 2-3 सालों में लगातार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादी देखी है विथ जेड प्लस सिक्योरिटी, जहाँ पर फोन तो दूर लोग भी अलाउड नहीं होते थे। पर भाई ऐसे ट्रेंड्स में मुकेश भाई ने सबके मुंह पे पूरा जामनगर फेंक के मारा है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब पूरी की पूरी शादी इंस्टाग्राम पर अपनी आंखों से देख देगा घमंड है ब्रो। कुछ भी, पर ये मेरी जिंदगी की इकलौती ऐसी शादी है जिसको देखने के बाद ना मुझे बेटी के बाप पर दया आ रही है, ना मुझे बरातियों पे गुस्सा आ रही है, और शायद विदाई के वक्त रोना भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये हमारे मिडिल क्लास फैमिली के ट्रेट्स है। उनको किस बात का दुख, उनकी बेटी तो एक महल से दूसरे महल जा रही है, बाप तो हंसी खुशी बेटी को बाय बाय बोलेगा, भाई अंबानी के घर जा रही है। पर भाई जोक सपाट, लड़की बहुत प्यारी है, पर हमारे जमाई राजा भी किसी से कम थोड़े। हमारे जमाई राजा राम नहीं बल्कि कुबेर मिले। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसे आजकल एक मीम बहुत वायरल हो रही है जिसमें कि ये लिखा है कि जिस लड़के के पास पैसा होता है उसको ये मिलता है और जिस लड़की के पास पैसा नहीं होता उसको ये मिलता है। यार ऐसे थोड़े होता है, राधिका भी बहुत अमीर पार्टी है ब्रो, उसके बाप का डायमंड का बिजनेस है। और आयुष, आयुष को तो क्या ही बोलूं मैं, कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। भाई साहब, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बराती बना दिया, सबको एक ही बस में बिठा करके कॉमनर बना दिया। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को थाली पकड़वा करके लाइन में खड़ा करा दिया, वो भी कहां, दुल्हन की एंट्री पे। और सलमान का तो बेचारा क्या ही बोलूं भाई, खुद तो उठा नहीं पा रहा है तो बेचारे को किसी और से उठवा दे रहा है, उससे ढोल बजवा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और एक मिनट, वो शाहरुख क्या बोल रहा था उस दिन? तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मोटा भाई ये सब तो ठीक है, तुमको रीरी को नहीं बुलाना चाहिए था। हाँ, ये हमारे अरिजीत से ज्यादा सुरीली है क्या? खबरों के अनुसार पूरे 45 मिनट दीदी ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है जिसमें कि उसका कपड़ा भी फट गया। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। सोचो बेचारी कपड़ा फाड़ना चाहिए, पर पूरे 45 मिनट की परफॉर्मेंस को दीदी ने ठीक 45 सेकंड में बर्बाद कर रधा की बोल कर। 52 करोड़ की साला परफॉर्मेंस तो नहीं दिखी मुझे, हाँ पर 52 करोड़ का सामान जरूर दिख गया मुझे। पर हमारे मोटा भाई बहुत चतुर है, एक एक रुपए वसूल लिया रियाना से उसको जिंगत पर ठुमके लगवा के। अब भाई प्री वेडिंग में तो रियाना नचवा दी, अब शायद शादी में जो बिडन नचवाएंगे। एक दूसरे को कैमरा दिखा रहे, अब वो उनकी ले रहा है और वो उनकी ले रहा है फोटो। और ये अमीरों का दर्जी मनीष मल्होत्रा, इसकी इसी शादी से ना इसके बुढ़ापे की पेंशन तक निकल आई। और पंडित भी लाई, पैसा ही पैसा होगा ब्रो। पैसा ही पैसा होगा भाई, शगुन में पंडित को तो एकाक बंगला मुंह पे फेंक के मारा ही होगा। भाई मैं थक गई हूं उनकी शादी देखते देख, जब 1000 करोड़ रुपए शादी में खर्च ही कर दिए थे तो इसको टेलीकास्ट भी करा देते, यहाँ हम भी बैठे बैठे चाय पकौड़े खा रहे होते और देख रहे होते। उसपे से ओरी भाई बावला हो रखा है, एक ही छत के नीचे इतने सारे सेलिब्रिटीज को देख करके पगलाया हुआ है। सोच रहा है भाई मैं शुरू कहाँ से करूँ, फोटो किसके किसके साथ खिंचवाऊ। और इन सब के बीच में अंबानी बी लाइक रिलैक्स बॉयज, अभी तो प्री वेडिंग फेस्टिव्स है, वेडिंग में तो सारा पूरे हॉलीवुड से चाय पापड़े बनवाऊंगा। खैर, चाय से आ है हमारे डॉली भैया। One shot, please. भाई चाय इसने बिल गेट्स को पिलाई है और होश वहाँ कॉर्पोरेट वालों के उड़े हुए, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि बिल गेट्स ने इसको फेमस किया है कि इसने बिल गेट्स को फेमस किया है।
भाई बंदे ने अकेले बड़ी बड़ी डिग्रियों पे दिया है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई बड़े बड़े IIMs के होश हिले पड़े कि क्या हो गया रातों रात। भाई एक बार फिर से एक अकेला चाय वाला पूरी देश हिला रहा है। कलयुग नहीं, ये चाय वालों का युग चल रहा है। बंदे का MBA चाय वाले से ज्यादा सक्सेसफुल होने का घमंड है। सबसे बड़ी बात भाई, मैं पर्सनली खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉली ने बड़े तमीज से चाय पिला दी बिल गेट्स को। अगर इसने अपने नागिन फन से दूध को छुआ करके बिल गेट्स को चाय पिलाई होती ना, बेचारा सदमे में किसी कोने में रोता पड़ा होता, शादी भी नहीं अटेंड कर पाता और वापस चला भी जाता। और अगर ऐसा हुआ होता तो भाई सोचो अंबानी डॉली का क्या करता। बहुत बच गया रे तू डॉली। यार उड़ती उड़ती ये भी खबर आई है कि डॉली की तरक्की देख करके MBA चाय वाला रो रहा था, पर अच्छा हुआ तुम बिल गेट्स से नहीं मिले क्योंकि तुम्हारा कितना फायदा होता ये तो नहीं पता। हाँ उनका नुकसान जरूर हो जाता, कम से कम कंपनी तो डूबी जाती। खैर जब मैंने शादी में ओरी को देखा था तब मुझे लगा था कि अंबानी जी को डॉली को भी बुला लेना चाहिए क्योंकि दोनों ही कुछ नहीं करते और दोनों ही फेमस है। एनीवेज कुछ लोग तो मस्त है, आबाद भी है, पर अब तुम लोग भी मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद। और एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करते हुए जाओ और लाइक भी करो और कॉमेंट भी करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम इफ यू वॉन्ट टू।